हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। फ्रेंड्स, आज ना कुछ स्पेशली हमारा ब्लॉग होने वाला है, क्योंकि आज मैं एक नया काम स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो आइए आपको दिखाती हूँ कि काम क्या है। धूप निकल रही है, आलस आ रहे, सोचा करूँ या ना करूँ। बच्चे बहुत परेशान कर देते थे मेरे बच्चे। ये वो भी है जो पता नहीं क्या कर रही है। ये अंसा है क्या? हाँ, तो अभी करेंगे। वैसे ना आज का दिन बहुत अच्छा है। आज हमारे घर में एक नई चीज़ भी आने वाली है, तो चीज़ क्या आएगी तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। बस मौसम ठीक होना चाहिए, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब हो रखा था। तो वैसे नई चीज़ आने का इंतज़ार रहता है, तो आज हमारे घर में एक नई चीज़ आएगी, तो आपको ज़रूर दिखाएंगे कि हमारे चीज़ घर में क्या चीज़ आएगी। क्योंकि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, गर्मी में क्या चीज़ आएगी तो देखिए दिखाते हैं आपको। अभी तो इंतज़ार है दूध वाले का, दूध वाला अभी तक नहीं है। दूध हमारे देने आता है, देखो वहाँ से। ये जो सामने खेतों में घर दिख रहा है, ये यहाँ से आता है दूध देने के लिए, जो अभी तक आया नहीं, पता नहीं कहा कब आएगा। क्या हो गया वो अभी पैर में तेरे? हाँ, क्या हुआ? घर गई? पट्टी बांध ले। नया काम क्या है, चलो आपको दिखाई देते हैं नया काम क्या है। तो देखो, ये है मेरा नया काम, कर लिए है कि और अभी नहीं परोसा। अभी गेहूँ 50 किलो का कट्टा है, अभी इसको साफ करो, इसमें पूरा दिन लग जाएगा। लेकिन तो ये गेहूँ साफ करने और साफ करने में तो ये लग रहा है कि ये मेरे को गेहूँ साफ करने देंगे क्या? ये देखो, ये एक लगा रहा है, एक लगी रही। अभी जैसे गेहूँ को बाहर निकालूंगा, इन दोनों को मजा आ जाएगा। पूरे चौके पापा कहाँ है? पापा दुकान गए, पापा तो दुकान गए। अरे इसको शर्म आती है, इसको कैमरे के सामने बहुत शर्म आती है। पापा, मम्मा, पापा, मम्मा, चाचा, चाचा, पापा, मम्मा और चाचा, बहुत अच्छे से बोल लेता है। गुस्सा दिखा दे, गुस्सा दिखा दे, दिखा दे गुस्सा। देव दीदी भी दिखा रही है, गुस्सा दिखा रही है दीदी। इसको गुस्सा बहुत बेकार आता है, बहुत बेकार ऐसे गुस्सा आता है ना। मेरी बच्ची पकड़ो, अरे मेरी बात अभिषेक की चला चला। अब मैं देखना, मैं निकालूंगा पार्टियां। ओ ले गए? अरे क्या लेके गया? अब ये देखो गोजा असली था, अब देखो असली कमाल। ये निकली बज्जी अपनी, और ये निकली है, ये निकली दाल, ये निकली भी और
अरे मेरे काटी है ना वो, उसको रख यहाँ पे। कमरों पर बन जाओ तो बढ़िया। ऊपर छत भी तो बनवाएगा, रुक जान तो। छत कौन है वो? नहीं छत ही जा, मेरी है, मेरी अच्छी ताकि बात। वो आदमी सारे उजियों चंद रहा था ना। मार चौंग देख ले, मार ले। अंशुल ले जा रहे अंशुल ले जा रहे परेशान करते हैं जिसकी हद नहीं है। मैंने गेहूँ साफ करने के लिए जैसे गेहूँ को रखा और इतने में तो मैंने साफ नहीं किया, उतने में तो पूरे आंगन में फैला दिए। ये देखो, ये देखो इनको, ये देखो एक पीछे, ये चूल्हा फोड़ के चूल्हे को फोड़ दिया और इसमें माटी लिया है भर के लिए। ऐसे ऐसे बच्चे अभी फिलहाल ना बहुत ज्यादा गंदे हो रखे थे, तो मैंने सोचा कि ऐसे तो साफ हो गए नहीं ये, तो मैंने सोचा कि चलो इनको ना धो लेते। धोने से क्या है, सारी मिट्टी निकल जाएगी और इसमें ना मिट्टी है तो ना मिट्टी निकल गई। अभी मैंने थोड़ी करीबन 10-15 मिनट हो गए पानी में गला दिए, तो मिट्टी सारी गल गई। इनको चालनी में छल के सुखा दूंगे, अच्छे से साफ हो जाएंगी, ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो मैंने करीबन किए हैं, ज़्यादा नहीं तो 15 किलो लगभग गए होंगे, उनको पानी में गला दिए, डूब जाएंगे दो दिन और अच्छे अच्छे खासी धूप निकल रही है आंगन में सारे बच्चे, तो शाम तक तो अच्छे से सूख जाएंगे, टाइम भी कम लगेगा और बच्चे भी ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा बदमाश हो गए मेरे। हमें अकेली जान, छोटा सा बच्चा क्या करे, कितने सारे काम है अभी तक, इनको नहलाना धुलाना बहुत सारा काम बाकी रह रहा है। तो इनको पहले गेहूँ को धोकर सुखा देते, क्योंकि धूप भी लगभग आ गई। देखो धूप अच्छी खासी धूप निकल रही है, देखो ये धूप निकल रही है। यहाँ पे मैं साफ करने के लिए बैठी थी तो बच्चों ने सारा काम खत्म कर दिया। मैंने देखा तो गेहूँ में बहुत ज़्यादा काकरे थे, बहुत ज़्यादा मिट्टी के दाने थे, ये सारे धो दिए अच्छे से। और देखो इसमें है और उसमें है, और अभी तक मस्त तरीके से जाएंगे, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी। सबसे मुश्किल काम लगता है मेरे को गेहूँ साफ करने, पूरा दिन लग जाता है। तो ठीक है, और देखो इधर है, अब तो इधर चले गए, तो करते लग जाते काम पे। अभी इसको पानी को अच्छे से निकाल देते, दोबारा फिर से धोना पड़ेगा इनको। आइए धो लिए सारे गेहूँ, इकट्ठे कर लिए, अब इनको यहाँ फैलाएंगे।
सारी गंदगी निकल गई। हाँ अच्छे से दो बार धो लिया सारी गंदगी से, राब रब तरह से माटी गंदा पानी निकला। क्या हुआ काको? ये लगी बात है, पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है, इसकी तो भाषा समझ में नहीं आती। और वो एक है वो लगी नेपाली, इनकी भाषा बोलती है इंग्लिश हिंदी पता नहीं। कितिया पापा काका, काका नहीं पापा काका। अच्छा तो ठीक है, ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय 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 कर दो अंशु, टाटा टाटा कर दो। ऐसे बोल दो आज हमारे नया फ्रिज आएगा। काका काका छिप रहा है कैमरे के पीछे जा रहा है। तो ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले बाय। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मैंने पिछला वीडियो डाला है तो उसको भी अच्छे से, और ठीक है ओके, तब तक मेरे गेव सूख जाएंगे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक मैं फिर से दिखाऊंगी आपको मेरे गेव एकदम से अच्छे से हो जाएंगे। और हाँ मेरे इंस्टाग्राम आई डी है मीरा बेरवा 58, तो वहाँ पर जाकर फॉलो जरूर कर लेना क्या।